माही परवीन को दावत दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए और नमाज का तरीका बताए। माही परवीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज का तरीका, क़याम और दोनों हाथों को उठाने का तरीका। नंबर एक, तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना यानी सर को ना झुकाना। नंबर दो, तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों से कानों तक उठाना। नंबर तीन, हथेलियों को क़िबला की तरफ रखना। नंबर चार, उंगलियों को अपनी हालत पर रखना। नंबर पाँच, दोनों पैरों के दरमियान कम से कम चार उंगुल का फासला रखना। पैरों की उंगलियां क़िबला की तरफ रखना। नंबर छः, हालत क़याम में निगाह को सजदा की जगह रखना। नोट, तकबीर तहरीमा के वक्त हाथों से कानों का छूना ज़रूरी नहीं। हाथ बांधने का तरीका, नंबर एक, दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्प पर रखना। नंबर दो, छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टे को पकड़ना। नंबर तीन, बीच की तीन उंगलियों को कलाई पर रखना। नंबर चार, नाफ के नीचे हाथ बांधना। रुकू का तरीका, नंबर एक, रुकू की तकबीर कहते हुए रुकू में जाना। नंबर दो, रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना। नंबर तीन, घुटनों को पकड़ने में उंगलियों को खुला रखना। नंबर चार, पिंडलियों को सीधा रखना। नंबर पाँच, पीठ को बिल्कुल सीधा रखना। नंबर छः, सर और कमर को बराबर रखना। नंबर सात, रुकू में कम अज़ कम तीन मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम कहना। नंबर आठ, रुकू से उठते वक्त इमाम को समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहना और मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द। अकेले नमाज पढ़ने वालों को दोनों कहना। नोट, रुकू में निगाहें कदमों पर होना। रुकू से उठने के बाद सीधा खड़ा होने को कौमह कहते हैं। सजदा में जाने का तरीका, नंबर एक, रुकू से उठकर इत्मीनान से बिल्कुल सीधा खड़ा होना। नंबर दो, सजदा में जाते वक्त सर और सीना को ना झुकाना बल्कि सीधा रखना। नंबर तीन, रुकू पहले दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखना, फिर दोनों हाथ, फिर नाक और पेशानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।